आज बेटा हम सोलूट और सॉल्वेंट को उसके डिफरेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप राइट साइड पे देखें तो हमने कहा है कि कोई सोल्यूशन है ए और बी सब्सटेंसेस आपस में मिलती हैं। जब भी कोई सी दो चीज़ें आपस में मिले और वो होमोजीनियसली मिक्सअप हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि एक चीज़ थोड़ी क्वांटिटी में होती है, दूसरी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तो जो कंपोनेंट भी एक सोल्यूशन का, जो कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में हो उसे कहते हैं सॉल्वेंट, और जो लेस क्वांटिटी में हो उसे कहते हैं सोल्यूट। अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे एग्जांपल में देखें तो हमने इंडिकेट किया है कि अगर पानी के अंदर आप सॉल्ट को डिसॉल्व करें तो पानी ज्यादा क्वांटिटी में है बेटा और सॉल्ट कम है। थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे तो पानी क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। और जो सॉल्ट है उसे क्या कहेंगे? सोल्यूट। इसी तरह से अगर हवा की एग्जाम्पल लें और उसमें मिट्टी के जरात शामिल हो चुके हैं तो हवा क्या होगी बेटा? सॉल्वेंट। और उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूट। तो अब इनकी डेफिनेशंस को मार्क करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट। और सॉल्वेंट की डेफिनेशन देखें, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इसकी एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल इन सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आपने कोका कोला पी रहे हैं, वाटर इज सॉल्वेंट वाइल अदर सब्सटेंसेस लाइक शुगर सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सोल्यूट। यानी कि आपने जो स्टिंग की बोतल या कोक की बोतल आपके पास है तो उसके अंदर क्या है? एक्चुअली क्या है? पानी है। और पानी के अंदर कौन कौन सी चीजें डिजोल्व की गई है? शुगर डिजोल्व की गई है, सॉल्ट डिजोल्व किया गया है, और वो उसका जो तुर्श या बिटर टेस्ट क्रिएट करने के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की गई है। तो वो थोड़ी क्वांटिटी में है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगी? सोल्यूट कहलाएंगी। और उसमें वाटर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। तो यही एग्जाम्पल आप दोनों तरफ कोट कर सकते हो कि इसमें सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। यह सिंपल सी बेटा एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेशक आप वही दोनों में एक ही एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। ओ बच्चों जिंदा हो, यहाँ पे ये एग्जांपल लिख सकते हैं बेटा आप लोग कि शुगर सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल इन शुगर सॉल्यूशन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यानी कि ये एग्जांपल दोनों में कोट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, इन शुगर सोल्यूशन इन वाटर, और शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। ये सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की एग्जाम्पल हो जाएगी बेटा। क्लियर है बेटा? मुझे बताएं आप लोग, आंसर ही नहीं कर रहे बेटा। आप लोग क्लास में मौजूद हैं, 17 लोग हैं, एक तो स्टूडेंट्स भी कम आए हैं, आई डोंट नो वाई। क्लियर है बेटा? ये डेफिनेशन क्लियर है? चलें शुक्र है कुछ तो बोले। चलें बेटा नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके ओके सही है बेटा। अच्छा अब इनके ना वैसे ये अपने मार्क कर लिया होगा बेटा, अब वैसे इनको जनरली रीड करते हैं कि जो इनके दरमियान वाली लाइनें लिखी हैं वो क्या कहती हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन सोल्यूट तो ये डेफिनेशन मार्क की हुई है और एक एग्जाम्पल, और अगर आए डिफाइन सॉल्वेंट तो डेफिनेशन मार्क की हुई है और एग्जाम्पल, दो नंबर पक्के। अच्छा अब इसको वैसे जनरली रीड करते हैं कि इसके दरमियान में लिखा हुआ क्या है, जो दूसरी लाइनें हैं। अ सोल्यूट इज डिजोल्व इन सॉल्वेंट टू मेक अ सोल्यूशन। सोल्यूट को हम डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर ताकि क्या बन जाए? एक सोल्यूशन बन जाए। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन इज मेड बाई डिजोल्विंग अ सॉल्ट इन वाटर, सो सॉल्ट इन सोल्यूशन, सॉल्ट इन द सॉल्ट इज द सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, मोर देन वन सोल्यूट मे बी प्रेजेंट इन सोल्यूशन। तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जनरली जहां पर भी कोई भी सोल्यूशन की आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि इसमें सोल्यूट कौन सा है और इसमें सॉल्वेंट कौन सा है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी तरफ, सॉल्वेंट की तरफ। द सॉल्वेंट ऑलवेज डिजोल्व सोल्यूट इन अ सोल्यूशन इफ मोर देन टू सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट।
अगर दो दो से ज्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो तो वन सब्सटेंस एक्ट एज सॉल्वेंट एंड अदर बिहेव एज सॉल्यूट. फॉर एग्जांपल एज रेफर्ड अबव इन सॉफ्ट ड्रिंक वाटर इज अ सॉल्वेंट व्हाइल अदर सब्सटेंसेस लाइक शुगर सॉल्ट एटसेट्रा आर सॉल्यूट्स. तो ये वही बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि जब भी दो चीजों को आपस में मिक्स करेंगे एक चीज सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करेगी, दूसरी चीज सॉल्यूट के तौर पर एक्ट करेगी. अच्छा अब बेटा नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं. अच्छा मेरा बेटा पेपर कल का अच्छा हुआ है, बस इंटरनेट की वजह से काफी स्टार्ट में तो इशू था. अच्छा उसके बाद किधर थे, हाँ ठीक है इसको रिमूव करें. नेक्स्ट बेटा हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्वेश्चन लिखें बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन लिखें. डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड. डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जी बेटा आज ही अपलोड, आज अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है. अच्छा तो बेटा डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, ये आपने क्वेश्चन लिखना है. ठीक है अब हम इसको, ओके बेटा मानिया, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं. मैं वैसे समझा देता हूँ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है क्या. अब बेटा आप बीकर लिया, और उसमें हमने लिया बेटा पानी लिया है, ठीक है बेटा. और हमारा टेम्परेचर जो है बेटा, सपोज वो रूम टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है. अब हमने क्या किया बेटा, इसके अंदर शुगर ऐड की 1 ग्राम, डिजॉल्व हो गई. 2 ग्राम और ऐड किए, डिजॉल्व हो गए. 2 ग्राम और ऐड किए, वो भी डिजॉल्व हो गए. फिर 3 ग्राम और ऐड किए. अब ऐसा हुआ कि थोड़ी थोड़ी चीनी के ड्रॉपलेट्स नीचे बच गए, वो मजीद डिजॉल्व नहीं हो रहे थे. इसका मतलब है वो जो सॉल्वेंट था, यानी कि जहां पे हमारे पास ये ऊपर से हम इसमें सोल्यूट ऐड कर रहे हैं बेटा, और ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है. और सोल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिक्स होते हैं तो सोल्यूशन बनाते हैं. तो हम सोल्यूट को ऐड करते जा रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, वो डिजोल्व होता जा रहा है. थोड़ी चीनी थी, फिर और ज्यादा इसमें चीनी डाली तो वो भी डिजोल्व हो गई. यस्टरडेज लेक्चर जी बेटा अपलोड कर दिया था, 1 मिनट बेटा मुझे देखने दें. तो हम इसमें बेटा चीनी को डिजोल्व कर रहे हैं. जी बेटा कल का चैप्टर, कल का टॉपिक मैंने अपलोड कर दिया था, कल का टॉपिक अपलोडेड है यूट्यूब पर. तो इसमें हमने थोड़ी सी चीनी को ऐड किया, डिजोल्व हो गई. थोड़ी मजीद ऐड की, वो भी डिजोल्व हो गई. थोड़ी मजीद ऐड की, अब आखिर में ये हुआ कि सॉल्वेंट ने हमारे सामने जोड़े हाथ, कहते हैं बस भाई इतनी ज्यादा चीनी मैं अपने अंदर डिजोल्व नहीं कर सकता, जितनी चीनी मेरे अंदर डिजोल्व करने की कैपेसिटी थी वो मैंने डिजोल्व कर ली है, बाकी जो एक्स्ट्रा चीनी है वो नीचे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बच गई है, वो अब डिजोल्व नहीं हो रही. तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सॉल्वेंट ने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपने अंदर डिजोल्व कर ली है, मजीद सोल्यूट अपने अंदर डिजोल्व नहीं कर सकता, जितना उसकी कैपेसिटी थी उतना उसने अपने अंदर सोल्यूट को डिजोल्व कर लिया है. ऐसा सोल्यूशन क्या कहलाता है बेटे, सैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड का मतलब होता है रज जाना. जब आप खा रहे हैं ना खाना, थोड़ा थोड़ा सा खाना खा के उठ जाएंगे तो आपको भूख बाकी होगी तो आप अनसेचुरेटेड होंगे. अगर आपने फुल पेट भर के खाना खा लिया तो आप सैचुरेटेड हो गए हैं. तो ऐसे ही अगर कोई सॉल्वेंट अपने अंदर मैक्सिमम सोल्यूट को डिजोल्व कर ले और मजीद एक्स्ट्रा सोल्यूट उसमें ऐड होने की एबिलिटी ना हो, टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहे हम, इसी टेम्परेचर पर अगर वो मजीद अपने अंदर सॉल्वेंट को सोल्यूट को डिजोल्व ना कर पाए तो ऐसा सोल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब सैचुरेटेड सोल्यूशन में से नीचे वाली चीनी अलग करनी है तो वो कैसे करेंगे बेटा,
हम क्या करेंगे, एक और बीकर लेंगे, एक और बर्तन लिया, और पहले वाले बर्तन में से, यानी कि ये वाला जो हमारा पहले वाला लिक्विड था और उसमें नीचे शुगर के दाने बचे हुए थे, हम इसको इसमें दूसरे में क्या करेंगे, लिक्विड में पोर करेंगे, और यहाँ पे हम इसको कैस के थ्रू पोर करेंगे बेटा, फनल के थ्रू पोर करेंगे। फनल में हम क्या लगाएंगे, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर। जब यहाँ पे फिल्टर पेपर ऐड हो जाएगा, सारा लिक्विड इसमें ऐसे इधर से पोर डाउन होकर इधर आएगा बेटा। लिक्विड जो होगा बेटे वो सारा इधर आ जाएगा, और जो चीनी के ड्रॉप बचे हुए थे वो यहाँ पर इसके ऊपर फिल्टर पेपर की लेयर के ऊपर यहाँ रह जाएंगे। तो अब जो हमारे पास ये वाला लिक्विड है, ये मुकम्मल तौर पे क्या है बेटा, सेचुरेटेड सोल्यूशन है, और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीनी के अनडिजोल्व पार्टिकल मौजूद भी नहीं है। अगर इसकी बात करें, यहाँ पे सेचुरेटेड की बात थी, इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं बेटा। होता क्या है, हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। अभी हमने सपोज इसको अलग नहीं किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। इसके माइनर से पार्ट को हम जूम इन करके देखते हैं कि अंदर प्रोसेस क्या चल रहा है। ये ऊपर लिक्विड मौजूद है बेटा, ठीक है, और नीचे शुगर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बचे हुए पड़े हैं। कुछ पार्टिकल यहाँ पे डिजोल्व फॉर्म में मौजूद हैं, शुगर डिजोल्व फॉर्म में मौजूद है बेटा, पानी के अंदर डिजोल्व है, और जो नीचे वाली क्या बची हुई है, ये अनडिजोल्व। नीचे जो मौजूद है वो क्या है, अनडिजोल्व। तो ऐसे होता है बेटा, सपोज हम मैं एक ब्लू सर्कल बनाता हूँ, ये डिजोल्व चीनी का दाना है, ये जो पार्टिकल है ये डिजोल्व है, ये ब्लू वाले पानी के अंदर डिजोल्व हो चुके हैं, और जो नीचे ब्लैक बनाए हैं ये क्या है, अनडिजोल्व है। अब इस स्टेज पे क्या होता है, जब जो पानी है, जो सॉल्वेंट है, वो सेचुरेटेड हो चुका है, वो मजीद शुगर अपने अंदर डिजोल्व नहीं कर पा रहा, मजीद एक्स्ट्रा जो सोल्यूट है उसमें डिजोल्व नहीं हो रहा। इस स्टेज पे हो क्या रहा होता है बेटा, जो शुगर है वो डिजोल्व से अनडिजोल्व फॉर्म में आ रही होती है, और अनडिजोल्व वाला दोबारा क्या हो रहा होता है, डिजोल्व हो रहा होता है। यानी कि जैसे ही डिजोल्व फॉर्म से एक जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो अनडिजोल्व फॉर्म में आएगा, उधर दूसरे फौरन लम्हे उसकी जगह जो खाली बची थी उसकी जगह पर जो अनडिजोल्व नीचे से एक मॉलिक्यूल दोबारा डिजोल्व हो जाएगा। तो इस स्टेज पे एक्चुअली क्या हो चुका होता है, डिजोल्व और अनडिजोल्व फॉर्म में एक इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका होता है। ओवरऑल मजीद एक्स्ट्रा सोल्यूट जो है वो डिजोल्व नहीं हो पा रहा। आवाज कट रही है बेटा, एक मिनट बेटा, असल में एक्चुअली ना मेरा जो घर है वो है एयरबेस के करीब, तो मैंने दरवाजा जरा बंद किया था, जहाज काफी शोर कर रहे थे। आप देखिएगा, आई थिंक सो आप क्लियर होगा बेटा। अच्छा तो बेटा देखें, हमने यहाँ पे टोटल दो बातें डिस्कस की हैं। पहले हमने कहा कि एक लिक्विड के अंदर हम जितनी चीनी ऐड करते जाएंगे डिसॉल्व होती जाएगी, एक वक्त ऐसा आएगा जब एक्स्ट्रा चीनी डिसॉल्व नहीं होगी, उस स्टेज को कहते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन। अब सेचुरेटेड सोल्यूशन को जब जूम इन करके देखते हैं कि अंदर चल क्या रहा है, तो हमें हमें नजर आता है कि चीनी के मॉलिक्यूल डिसॉल्व फॉर्म से अनडिजोल्व फॉर्म में आ रहे हैं, और उसी लम्हे उतने ही मॉलिक्यूल अनडिजोल्व से दोबारा डिजोल्व फॉर्म में जा रहे हैं। तो ओवरऑल एक डिजोल्व और अनडिजोल्व सोल्यूट में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका होता है। अब जाके रीड करते हैं यही बात बुक से, और बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अच्छा बेटा, पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, पहले तो बेटा डेफिनेशन लिखेंगे, अ सॉल्यूशन
अ सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जो एक खास टेम्परेचर पे मजीद अपने अंदर सोल्यूट को डिजोल्व ना कर सके उसे क्या कहते हैं बेटा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऑन द पार्टिकल लेवल अगर जाके जूम इन करके देखें पार्टिकल्स को देखें तो क्या आ रहा होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन इज द वन इन विच अनडिजोल्व सोल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम विद डिजोल्व सोल्यूट। कि जो डिजोल्व और अनडिजोल्व सोल्यूट है उनमें एक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन जो ग्रीन लाइन में मार्क की है इसकी समझ आ गई बेटा आप लोगों को? शाबाश, बताइएगा बेटा इन ग्रीन लाइन की समझ आ गई? ये जो बात मैंने आप लोगों को बताई कि पार्ट डिजोल्व फॉर्म से शुगर के मॉलिक्यूल अनडिजोल्व फॉर्म में जा रहे होते हैं और उतने ही अनडिजोल्व से दोबारा डिजोल्व फॉर्म में आ रहे होते हैं, यानी कि अनडिजोल्व सोल्यूट और अनडिजोल्व सोल्यूट और डिजोल्व सोल्यूट में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। अब इसकी देखते हैं इसको बनता कैसे। ये तुम्हारी इसकी हो गई बेटा डेफिनेशन हो गई, ठीक है ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी एग्जाम्पल देखें बेटा, इसकी एग्जाम्पल थोड़ी रट्टे वाली है, वो नीचे आप इसके पैराग्राफ में होगी, मैं उधर मूव कर रहा हूँ बेटा, इसको क्लियर कर रहा हूँ डेफिनेशन को। इसकी एग्जाम्पल आपको मिलेगी, ये इसकी एग्जाम्पल है बेटा, यानी कि अगर सोडियम थायोसल्फेट के हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी लें, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और 20.9 ग्राम डिजोल्व करेंगे तो उससे एक्स्ट्रा जो है वो मजीद उसमें सोडियम थायोसल्फेट डिजोल्व नहीं होगा और ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा, सेचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। ये उसकी एग्जाम्पल है, ऊपर ही लिखेंगे बेटा ये एग्जाम्पल, उधर ऊपर लिखेंगे ठीक है, डेफिनेशन के बाद ये एग्जाम्पल लिखेंगे। अब मैं दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, अब उसकी हम एक्सप्लेनेशन है या फॉर्मेशन है कि बनता कैसे, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये चीजें लिखेंगे डेफिनेशन के साथ एग्जांपल। अगर जैसे मैंने लॉन्ग की स्टेटमेंट लिखाई थी कि प्रिपेयर कैसे होता है, तो बेटा प्रिपेयर कैसे होता है ये व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट सोल्यूट डिजोल्व वेरी इजीली इन द सॉल्वेंट। थोड़ा सा हमने उसके अंदर सोल्यूट को ऐड किया, डिजोल्व हो गया। If the addition of solute is kept on, अगर हम उसके अंदर सोल्यूट एड करते रहें और करते रहें और करते रहें, a stage reaches आखिरकार वो समय आता है when solvent cannot dissolve any more solute. फिर हमारे सामने solvent हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भाई बस इससे ज्यादा सोल्यूट मैं अपने अंदर डिजोल्व नहीं कर सकता, भाई मेरी इतनी ही कैपेबिलिटी थी। एट दिस स्टेज फर्दर एडेड सोल्यूट रिमेन अनडिजोल्व, अगर मजीद जो एक्स्ट्रा सोल्यूट एड करेंगे दैट विल रिमेन अनडिजोल्व and it settles down at the bottom of the container, और वो bottom of the container नीचे बैठ जाएगा, उसके अंदर dissolve नहीं हो रहा होगा। तो solute और solvent को add करें तो solution बनता है। अब solute और solvent मिलके क्या होते हैं बेटा, crystallize, crystallize होके क्या बनाते हैं, sorry dissolve होके क्या बनाते हैं, solution, और solution से liquid दोबारा ये भी इधर आते हैं बेटा, solvent और solute दोबारा भी बन रहे होते हैं, उसे कहते हैं crystallize होना। अभी उस बात को छोड़ो, अब ये डेफिनेशन तो हमारी वैसे हो गई, ये डेफिनेशन हमारी डन हो चुकी है। तो एट दिस स्टेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि जब, यानी कि ऊपर वाला पहला पैराग्राफ लिखा जो ग्रीन में मार्क किया, मैं इसको भी ग्रीन से लिखता हूं। डेफिनेशन आपने पहले नंबर पे लिखी थी, ये इसकी फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरे नंबर पे पैराग्राफ आएगा। एट दिस स्टेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड although dissolution and crystallization continues at a given temperature but the net amount of dissolved solute remain constant. ab ye wala ji last line mein idhar aapko board pe dobara ja ke samjhata hu, ki ye jo beta ye jo isme chalte hain, next page pe chalte hain, mera clear kar, clear ho jaye zara aur। आपने ये समझ लिया कि ये वही वाला सर्कल है जहां पर हमने वहां पे डिस्कस किया था, ये इसके अंदर लिक्विड, ये लिक्विड है सारा, ये कुछ मॉलिक्यूल नीचे मौजूद है शुगर के जो अनडिजोल्व फॉर्म में है बेटा, और ये ब्लू वाले किस फॉर्म में है, डिजोल्व फॉर्म में, अंदर ये हल हो चुके हैं पानी में, ये चीनी घुल गई है। अब डिजोल्व फॉर्म से जो अनडिजोल्व फॉर्म में आना है बेटा, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइज होना,
यानी कि डिजोल्व फॉर्म में से सोलूट का अनडिजोल्व फॉर्म में आना क्रिस्टलाइज। तो यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन हो रही है और ये दोबारा क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, इसे कहते हैं डिजोल्यूशन। डिजोल्व होने को कहते हैं डिजोल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि क्रिस्टलाइजेशन और डिजोल्यूशन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, जो डिजोल्व से अनडिजोल्व होना, क्रिस्टलाइज होना, और दोबारा अनडिजोल्व फॉर्म से डिजोल्व हो जाना, इसे कहते हैं डिजोल्व होना या डिजोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं इसको। तो ये लास्ट पैराग्राफ देखिएगा बेटा अभी। एट दिस स्टेज डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, ऑल्दो डिजोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन कंटिन्यूज। डिजोल्यूशन भी हो रही है, क्रिस्टलाइजेशन भी हो रही है, बट द नेट अमाउंट ऑफ डिजोल्व सोल्यूट रिमेन कॉन्स्टेंट। लेकिन ओवरऑल जो डिजोल्व फॉर्म में अमाउंट है सोल्यूट की वो कॉन्स्टेंट रहेगी। जैसे ही एक मालिक्यूल क्रिस्टलाइज होगा उसी वक्त एक मालिक्यूल दोबारा डिजोल्व हो जाएगा, तो नेट अमाउंट ऑफ डिजोल्व सोल्यूट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था कि डिफाइन सैचुरेटेड सोल्यूशन, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो ये हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन को किया डिफाइन, नंबर वन। नंबर टू पे हमने इसकी की एग्जाम्पल, ये वाला पैराग्राफ फिर लिखा, ये नंबर हमारे आएगा नंबर थ्री पर। ये वाला पैराग्राफ आएगा नंबर थ्री पर और जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ये आएगा नंबर फोर पर। ठीक है बेटा, ये इस लॉन्ग क्वेश्चन की मार्किंग हो जाएगी, यानी कि डेफिनेशन। दूसरे नंबर पे एग्जांपल जो नीचे लिखी हुई थी मार्क करवाई। तीसरे नंबर पे यहाँ पे हेडिंग देंगे हाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फॉर्म, या फिर फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा और लास्ट फोर्थ पैराग्राफ उसी के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा बेटा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। और इससे पहले कि बेटा मार्किंग वानिया आप देख लीजिएगा यूट्यूब से, बेटा मैं अभी लेक्चर को अपलोड कर दूंगा। अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, टाइम बेटा मैंने थोड़ा सा खुद भी इसको देखना है, अपने लेक्चर टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो आज के लिए इतना काफी है बेटा। समझ आ गई बेटा आप लोगों को इस लॉन्ग क्वेश्चन की? चलो बेटा वानिया मैं आपके लिए भी इसको कर देता हूँ, बता देता हूँ। वो सिर्फ बेटा ये दो डेफिनेशंस की थी हम लोगों ने, सोल्यूट की डेफिनेशन की थी बेटा। बाकी बच्चे मुझे बताएं आज के टॉपिक की समझ आ गई बेटा? ये सोल्यूट की डेफिनेशन और ये बेटा सॉल्वेंट की डेफिनेशन, और एक एग्जांपल की थी ये वाली। ये आप दोनों में यही एक एग्जांपल कोट कर सकती हैं, यही ये वाली एग्जांपल इसके साथ भी आएगी और ये वाली एग्जांपल इसके साथ भी आएगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बेटा मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़।